अंडर 19 एशिया कप से रिलेटेड सारे शेड्यूल्स आ चुके हैं, आप ये मैचेस कहाँ देख सकते हैं ये भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। डेट्स क्या है, कौन से ग्राउंड्स पे होने हैं और कौन कौन सी टीम्स है ग्रुप में, फाइनल कब होना है, सेमीफाइनल कब होना है, आप मोबाइल में इन मैचेस को कहाँ पे देख सकते हैं, टीवी पे कहाँ देख सकते हैं, अपने कंट्रीज में कहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप्स में बांटा गया है, उसके अंदर ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट होने वाला है। जी हाँ, अगर अब तक के ग्रुप्स में राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा और ग्रुप ए में कौन सी टीम है, ग्रुप बी में कौन सी टीम है, आइए जल्दी से जान ले। बिल्कुल, और ग्रुप ए में जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड यूएई, इन चारों को रखा गया है, और ग्रुप बी जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और कुवैत, इन चारों को ग्रुप बी में रखा गया है। जी हाँ, तो ये ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि मैचेस किन किन के कब कब क्या होने हैं। जी हाँ, डेट्स के साथ जानते हैं कि कौन सी टीम के मैच कब होने हैं, किन के साथ होने हैं। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि इस कप की जो शुरुआत है वो होनी है 23 दिसंबर। बिल्कुल, 23 दिसंबर को शुरू होगा। तो पहला जो मैच है वो इंडिया वर्सेज यूएई का है, उसके बाद दूसरा अफगानिस्तान वर्सेज पाकिस्तान और बांग्लादेश वर्सेज नेपाल। ये तीन मैचेस एक ही दिन में खेले जाएंगे 23 तारीख को। 24 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को कहीं ना कहीं तीन मैचेस हैं पहले दिन में। जी हाँ, और तीन मैचेस हैं 23 तारीख को, इंडिया का है, यूएई है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, जी हाँ, और बांग्लादेश से नेपाल। तो 23 तारीख को तीन मैचेस हमें देखने को मिलेंगे एक ही साथ, और 24 तारीख को, जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक मैच देखने को मिलेगा और वो है श्रीलंका वर्सेस कुवैत, यानी कि ग्रुप बी का मैच, श्रीलंका वर्सेस कुवैत का मैच होगा। और इसी के साथ 25 तारीख की बात करें तो यहाँ पे फिर से तीन मैचेस होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप ए, बांग्लादेश वर्सेस कुवैत ग्रुप बी, और अफगानिस्तान वर्सेस यूएई ग्रुप ए का मैच, यानी कि तीन मैचेस होंगे 25 तारीख को फिर से 23 की तरह। जी हाँ, तो लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, एक एक दिन में तीन तीन मैचेस रखे गए हैं और किसी एक दिन में सिर्फ एक मैच रखा गया है, एक है बड़ी थोड़ी हैरानी की बात होती है। चलिए अब बढ़ते हैं कि 26 तारीख को किस किस के मैचेस। बिल्कुल, और 26 तारीख को सिर्फ एक मैच रखा गया है, श्रीलंका वर्सेज नेपाल, यानी कि ग्रुप बी का मैच, श्रीलंका वर्सेज नेपाल का मैच है, सिर्फ 26 तारीख को एक मैच खेला जाएगा। और उसके बाद 27 की बात करें, 27 दिसंबर की, तो इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेज यूएई, ये दो मैचेस खेले जाएंगे 27 को, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेज यूएई, यानी कि ग्रुप ए का मैच होगा 27 को। जी हाँ, और ग्रुप्स का लास्ट मैच, जी हाँ, 28 दिसंबर को खेला जाने वाला है, वो भी दो मैचेस खेले जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि 28 दिसंबर को कौन से दो मैचेस कौन सी टीम से खेले जाने। बिल्कुल, और ये है ग्रुप बी के मैचेस हैं, बांग्लादेश वर्सेज श्रीलंका 28 दिसंबर को, और नेपाल वर्सेज कुवैत 28 दिसंबर। तो यही दो मैच है 28 दिसंबर को, और लीग जो है वो यही स्टॉप हो जाएगी, यही खत्म हो जाएगी लीग राउंड। जी हाँ, लीग राउंड यानी ग्रुप्स के जो राउंड है वो यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा ठीक किया जा सकता था, तीन की जगह दो मैच करा के जहाँ पे एक दिन है वहां दो कर, लेकिन चलिए कुछ ना कुछ उन्होंने सोच के किया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेमीफाइनल्स की। सेमीफाइनल्स एक ही दिन में होने, जी हाँ, दोनों सेमीफाइनल्स एक ही दिन में होने हैं, वो डेट क्या है जानते हैं। बिल्कुल, और सेमीफाइनल जो है वो 30 तारीख को होने हैं। जी हाँ, सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2, वो दोनों ही 30 तारीख को, 30 दिसंबर को होने हैं। जी हाँ, और यहाँ पर 31 दिसंबर को, जी हाँ, यानी साल के खत्म के साथ साथ अंडर 19 एशिया कप भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। 31 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगा अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल मैच। जी हाँ, तो देखना होगा कौन सी टीम पहुंचती है, लेकिन ये पूरा शेड्यूल है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं हम कि इन मैचेस की टाइम्स क्या है। जी हाँ, टाइमिंग यहाँ पर है 9:30 सुबह से, चाहे कोई भी मैच हो, कोई दिन में तीन तीन मैच है वो सब एक ही साथ शुरू होंगे 9:30। 9:30 से सुबह शुरू होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। 9:30 सारे मैचेस शुरू होंगे, चाहे कोई भी मैच हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, लीग का हो, कुछ भी हो, सुबह 9:30 से मैच हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और है कि स्टेडियम्स कौन कौन से हैं। तीन स्टेडियम्स में इन मैचेस को रखा गया है, आइए जानते हैं वो स्टेडियम्स कौन कौन से हैं। बिल्कुल, इन टीमों के वाइज बांटा गया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रुप ए की जो टीमें हैं वो आईसीसी एकेडमी ओवल में खेलेंगी, जी हाँ, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, और जो ग्रुप बी की टीम है यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और कुवैत, वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अपने मैचेस खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक बैलेंस रखने की कोशिश की है कि एक ग्रुप को एक अलग रखा गया है, दूसरे ग्रुप को अलग रखा गया है, खास करके सिचुएशंस को देखते हुए, ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी कुछ चल रहा है तो उसको लेकर सिचुएशंस देखते हुए एक अच्छी पहल हो सकती है। यहाँ पर आप बात कर लें सेमीफाइनल और फाइनल्स कौन से ग्राउंड में होने। बिल्कुल, और सेमीफाइनल 1 जो है वो आईसीसी एकेडमी ओवल में होना है, और जो सेमीफाइनल 2 है वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होना है, और उसके बाद जो फाइनल है वो वहां पे अलग स्टेडियम पे होगा, वो है दुबई स्टेडियम। जी हाँ, दुबई क्रिकेट स्टेडियम, वहां पे ये
जो फाइनल है वो खेला जाएगा। जी हाँ, फाइनल वो खेला जाएगा। देखना पड़ेगा कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आखिर कौन सी दो टीमें पहुंचती हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इन मैचेस को आप कहाँ पर देख सकते हैं, खास करके टीवी की बात करें तो टीवी में आप इन्हें कहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हैं तो वो भी आपको बताते हैं कि आखिर ये मैचेस आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडिया और उसके सब कॉन्टिनेंट सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर देखने कहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी में और एप्स में। बिल्कुल, टीवी में ये स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जी हाँ, वहां पे आप ये अंडर 19 एशिया कप देख सकते हैं इंडिया और सब कॉन्टिनेंट पे। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पीटीवी स्पोर्ट्स वो ये टेलीकास्ट करेगा अंडर 19 एशिया कप। लेकिन अगर इसको आप एज अ मोबाइल में अपने देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी हाँ, वो इसे टेलीकास्ट करता हुआ नजर आएगा अपने मोबाइल ऐप। जी हाँ, और ऑकेजनली आप सोनी लिव ऐप पे भी इसे देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पार्टनर्स हो चुके हैं यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार और सोनी लिव कहीं ना कहीं किसी मोमेंट पे, तो इसीलिए वहां पे भी इसका आप देख सकते हैं। तो मोबाइल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, और उसके अलावा टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे ये सारे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर पाकिस्तान से तो पीटीवी स्पोर्ट्स वहां पर डेफिनेटली आपको इस मैचेस को प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस अंडर 19 एशिया कप से रिलेटेड, और ये सारा कुछ शेड्यूल हमने देने की कोशिश की। कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर से जरूर करेंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अंडर 19 एशिया कप को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि साल का खत्म होगा इतने शानदार मैचेस से, तो देखना तो पूरी तरह से बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस तरह की क्रिकेट न्यूज अपडेट्स हम लगातार आप तक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, ट्विटर पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्रिकेट न्यूज अपडेट्स सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम इससे फास्ट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। बाय बाय।